मैं हूँ आज कमरोनाग में और यहाँ करेंगे हम कैंपिंग कैंप फायर। और खाना बनाएंगे एक पेड़ के अंदर और एक्सप्लोर करेंगे कमरोनाग मंदिर। तो चलो शुरू करते हैं। ये लग रहे हैं हमारे पीछे तंबू। वाह, ये भाई अपना राशन पानी। ये हो रहा सर सुबह का इंतजाम। इस कुकर को ये राख लगाई है, इसको बोलते हैं हम धूला। आज की वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी और इसका अगला जो पार्ट है वो दूसरी वीडियो में डालूंगा। अपना यहाँ आपसे सेकंड डे कामरूनाग में, और आज का दिन हो रहा कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ क्योंकि बारिश लगी है बहुत ज़्यादा। बारिश लग गई है बहुत ज़्यादा, और अब दिक्कत ये हो रही कि चूल्हा जो हमने बनाया था भीग गया, टेंट के अंदर कुकिंग हो नहीं सकती। तो अभी मैं ढूंढ रहा कोई शेल्टर जिसके नीचे मैं खाना बना पाऊँ। ये है सामने मेरा टेंट, ये है सामने भाई अपना टेंट। दोनों बच्चा पार्टी सारे सब टेंट के अंदर है, और बारिश लगी यार बहुत ज़्यादा। अब इस बारिश में कैसे बनाएंगे खाना, कैसे सब कुछ करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा पेड़ के नीचे कहीं बैठ के फिर मैं कुछ बनाऊंगा। तो ढूंढता हूँ कुछ ऐसा जहाँ मैं कुकिंग कर सकूँ। ठंडी होगी यार, ठंडी बहुत यार, एक जगह तो मिली है मेरे को। ये मिली मेरे को एक जगह, इस पेड़ के अंदर किसी ने ना आग जलाई थी शायद। तो मैं सोच रहा इस पेड़ के अंदर यहाँ अपना कैंपिंग स्टोव रख के यहाँ कुकिंग करूँ क्योंकि यहाँ बारिश नहीं यार। वो इसके अंदर बनाऊंगा मैं खाना भी, ये ठीक है। ये मेरे नीचे यहाँ बनेगा भाई अपना खाना भी। बढ़िया सामान लेके आता हूँ यहाँ पे। ये मैंने यार इधर से स्टीम निकल रही थी तो मैंने ये कुछ जुगाड़ लगाया सही, तो इससे स्टीम बाहर निकलना बंद हो जाएगी और पानी जल्दी गर्म हो जाएगा अपना। आप में से है कोई जिसने किया कुछ ऐसा तिकड़ में जुगाड़ है? ओ बाबा, ठंडा यार, ठंडा बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा। मस्त यार। हरिओम, वाह मस्त है बाबा। क्या बोलते हैं जनता, कैसा लग रहा है आपको ये सेटअप?
चलो चलो, गर्म पानी गर्म पानी, गर्म पानी वाले आ गए। मैं जा रहा भी यार लकड़ी ढूंढने, सूखी लकड़ी। अब बारिश में सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी मेरे को? मेरे को यहाँ दिखा था कुछ, यहाँ काटी हुई है यार किसी ने लकड़ियाँ, तो शायद मुझे कुछ मिलेगा यहाँ पे। अब ये यहाँ है कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई। तो भाई अब जा रहे हैं हम मंदिर में, आपको कराएंगे दर्शन कामरूना के। वो हैं देवता महाराज जी बैठे हुए। आ गया चलो चलो। भाई अभी जा रहे हैं हम मंदिर में, और ये है कामरूनाथ जी की कहानी, जो इस मंदिर की कहानी है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, क्या कहानी है इस मंदिर की। Thank you.
ये जो लेक है इसका पूरा चक्कर लगाएंगे, फिर यहाँ फिर से माथा टेकेंगे। ये प्रथा है यहाँ की, तो हम भी फॉलो करेंगे इसको। ये लेक है, इसके अंदर सिर्फ कॉइन चढ़ाते, सोना या चांदी यही चढ़ता है इसके अंदर, बाकी नोट वगैरह फेंक देते लोग, पर मना वहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कि इसके अंदर सिर्फ सिक्के वगैरह या कुछ जो सोना चांदी पहले पुराने टाइम से चढ़ता आ रहा है वही चढ़ाए हैं, वही चढ़ता है अभी तक भी।